राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जिनका आपने संबोधन सुना, जिन्हें बहुत विस्तार से केंद्र की सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया, प्रदेश की भी, जो सरकार कांग्रेस की है उसके खिलाफ क्या बोल सकते हैं हम। आदरणीय भाई अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, हमारे बीच में आदरणीय सांसद श्री किशन कपूर जी, सुरेश कश्यप जी, डॉक्टर सिकंदर जी, इंदु गोस्वामी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी भाई विपिन सिंह परमार जी, महामंत्री भाई त्रिलोक कपूर जी, बिहारी लाल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायक जिनमें पवन काजल जी, रणवीर सिंह निक्का जी, विक्रम सिंह ठाकुर जी, पार्टी के सभी यहां पर मंच पर उपस्थित पदाधिकारी भाइयों बहनों और यहां उपस्थित नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आपने संबोधन सुना भाई अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने जिक्र किया कि वर्षों के पश्चात भारत को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो मिला है और उनके मजबूत नेतृत्व ने देश ने किस प्रकार से तरक्की की, और हम सबका ये सौभाग्य है। और आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं महसूस करते इस बात को कि हमारा ये सौभाग्य है, हर देशवासी महसूस करता है कि हमारा ये सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला, जिसका जीवन का एक एक क्षण जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। आज इस कार्यक्रम से पहले जब हम रास्ते में आ रहे थे, मुझे दिल्ली से एक हमारे मित्र का फोन आया, कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, पूर्व में उप प्रधानमंत्री रहे, गृहमंत्री रहे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। सचमुच में बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए जिन्होंने कदम कदम चलते चलते पार्टी को आगे बढ़ाया, पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया और इस मंदिर तक पहुंचाया, उसमें श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और सही मायने में अगर मैं कहूं तो वो इस सम्मान के हकदार है। अगर हम कांगड़ा के इस धर्मशाला के इस कार्यक्रम में यहां पर एकत्रित हुए हैं तो हमें वो वक्त भी याद करना चाहिए
जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में यह निर्णय लिया गया था कि जहां अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, जहां उन्होंने जन्म लिया था, वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यही कांगड़ा जिला है, कांगड़ा का पालनपुर में वो राष्ट्रीय कार्य समिति 1989 में हुई। एक ऐतिहासिक प्रस्ताव आज जो मुकाम पर पहुंचा, अपने लक्ष्य पर पहुंचा, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर की नींव रखी, भूमि पूजन किया और उसके बाद 22 जनवरी को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उद्घाटन किया। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। ये इस पीढ़ी के लिए मैं कह सकता हूं कि ये प्रसन्नता का विषय है जिनको अपने जीवन में ये दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा कि आप सब लोगों का भी एक भाव था, आपका भी एक योगदान था। आज पूरा देश जो है वो राममय हुआ है और देश तक ही सीमित नहीं रहे राम, भगवान रामचंद्र जी का पूरे दुनिया में जिस प्रकार से एक श्रद्धा के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद एक पहचान मिली है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर थोड़ी देर बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में आपको संबोधन, हम सबको यहां पर अपना संदेश देने के लिए पहुंचने वाले हैं। कल जब शाम को यहां हम आए थे सभा स्थल पर, तब देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से मौसम का जिस प्रकार से रुक रहा, लग रहा था कि मौसम आज भी परेशान कर सकता है, लेकिन इंद्रदेव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और आयोजक जितने भी इस कार्यक्रम में जो हमारे साथी यहां पर लगे थे इस आयोजन में, उनने पर्दा लगा दिया अगर मौसम ज्यादा खराब हुआ। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं वो पर्दा खोलना पड़ा और इस बात का ये संदेश है कि सभा स्थान पर जब पर्दा लगा हुआ उसको उठाना पड़ा, उसको खोलना पड़ा, तो निश्चित रूप से ये सफलता का एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा एक संदेश है। जो जगह बैठने के लिए बनाई थी वो थोड़ी पड़ गई, कम पड़ गई और आते हुए हम जब देख रहे थे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में लोग रास्ते पर खड़े हैं। इस मैदान में जहां जहां भी हमारे साथी खड़े हो सकते थे वो खड़े हैं, जो बैठ सकते थे वो बैठे हैं। और इसका संदेश यह है कि निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि एक अच्छी शुरुआत उस दिशा में हो गई है जिसकी जरूरत है और 2024 में वही होने जा रहा है जो 2019 में हुआ था, जो 2014 में हुआ था। यही कि 4 की 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतने वाली। पिछले 1 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार से ज्यादा उसको सप्पू की सरकार कहा जाता है। हमने कांग्रेस के मित्रों को पूछा कि तुम क्यों बोल रहे हैं ये भाई, ये सप्पू की सरकार, कि बोलते इसलिए बोल रहे हैं कि सप्पू भाई जी ने अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ कांग्रेस का तो काम तमाम कर दिया, इसलिए कांग्रेस की सरकार कहना
हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। आप कल्पना करिए हिमाचल प्रदेश में क्या हालात बने, एक साल की सरकार और एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। एक अनोखा काम करने का तरीका हिमाचल प्रदेश में सरकार ने शुरू किया। कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन प्रश्न पैदा हो रहा है कि सुखी कौन है। हम कई साथियों को पूछते हैं, कांग्रेस के साथियों को, भाई सुख की सरकार है तो सुखी है? नहीं बोल पाते हैं सुखी है। ना विधायक सुखी है, ना मंत्री सुखी है, ना लोग सुखी है। तो सुखी है कौन? तो सुख की सरकार, इस सरकार का नाम कैसे पड़ा? नाम तो पड़ गया, लेकिन हालात ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सुख की अनुभूति महसूस नहीं कर रहा है। और उसकी वजह यह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विधायकों पर विश्वास नहीं, मंत्रियों पर विश्वास नहीं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि एक साल बीत गया, हमने सोची एक बार नहीं, अनेक बार दी। इस सरकार को बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन एक साल से वो कार्यकर्ता कहीं बूथ कॉरपोरेशन में, नगर निगम, नगर परिषद में सदस्य तक बन नहीं पाए। और उन्हें यह भी कह दिया कि मैंने कह दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। और उधर से एक हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, विधायक है, वो चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नौजवानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 1,00,000 नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5,00,000 नौकरियां देंगे। एक साल बीत गया, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाई। और उल्टा हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा लॉकडाउन पे लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसलिए इस बात का जवाब देना पड़ेगा। नौजवान हताश हो गया है, निराश हो गया है, सड़कों पर आ गया है। और ऐसे हालात में आने वाला समय बहुत कठिन है, खुलेआम लिखना पड़ा कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को इस हद तक जाना पड़ा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार की हालत क्या है। झूठी गारंटी देकर के सत्ता को हासिल कर ली, और पिछले एक साल से एक ही बात कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऋण पूर्व की सरकार ने ले रखा है। और हमने कहा कि अगर हमने लिया है तो आप मत लीजिए भाई। लेकिन इन दिनों में आजकल बोलना हमने ज्यादा नहीं, इस बात को बोलना बंद कर दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक के ऋण लेने के तमाम रिकॉर्ड सुखू भाई जैसे हो। अगर हमने ऋण लिया तो हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, लेकिन आप ऋण लेकर के क्या कर रहे हैं ये हमें बताइए तो सही। आज सड़कों का काम बंद पड़ा है, स्कूल आपने डीनोटिफाई कर दिए, कॉलेज डीनोटिफाई कर दिए, हॉस्पिटल चले हुए बंद कर दिए, तो लोग किस बात के लिए दे रहे हैं? आपने कहा था हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन डीए की किस्त कब देंगे?
13 महीने बीत गए, 14 महीने बीतने जा रहे, 14 महीने बीत गए, एरिया कब देंगे ये पूछ रहे। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल रही है, 9 तारीख को सैलरी मिल रही है, तब मिल रही है, तब मिल रही है जब धरने पर बैठना पड़ रहा है, जुलूस निकालना पड़ रहा है, रैली निकालनी पड़ रही है। यह परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई और आज मैं हैरान हो गया इसको समाचार पत्र में देख करके। मैं देख रहा था कि कहा कि कर्मचारियों को जो आने वाले समय में जो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, जो ओपीएस के अंतर्गत जो पेंशन जो दी जाएगी, जो लास्ट सैलरी होता है उसका जो पे ड्रॉन होती है उसका 50% होता है, लेकिन फाइल पहुंच गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के वहां कि 50% नहीं देंगे, सिर्फ 30% देंगे, 30% देंगे। आप कर्मचारियों के हित ऐसी है, पहली बात तो अगर कर्मचारियों के हित ऐसी है तो आप सब जो है इस बात का जवाब दे कि कर्मचारी हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। आज अगर शिमला जाते हैं चौड़ा मैदान पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, सचिवालय में हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो हमारे दूसरे जिनके बच्चों के जेवाईटी के जिनके रिजल्ट निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि भी 3 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल देना चाहिए, लेकिन आप तो 14 महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाए। विरोधा कहते हैं हमारी आयु सीमा से हम 45 साल से ऊपर जा रहे हैं, नौकरी मिलने की संभावना अब हमको नहीं हो पाएगी, लेकिन सुखू जी कहते हैं कि इंतजार करिए। भाई ये हालात है हिमाचल प्रदेश, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को देखकर के हैरान हूं, मंत्रिमंडल बनाया, मंत्रिमंडल का विस्तार 1 साल के बाद किया, विभाग बांटने की 2 मंत्रियों के बात आई तो 1 महीना लग गया, और 1 महीने के बाद मंत्रालय में भी परिवर्तन कर दिए, उनके विभागों में भी परिवर्तन कर दिए, पिछले कल कुछ और विभाग दिए, उनको मालूम पड़ा कि नाराजगी ज्यादा हो गई, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे प्रदेश नहीं चल सकता इस प्रकार से। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, आपदा का दौर अगर हिमाचल प्रदेश में आया तो केंद्र ने लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधी मदद हिमाचल प्रदेश को की, लेकिन देखो भी हिमाचल प्रदेश में ये लोग जो रहने वाले जो सरकार चला रहे हैं कहते कि कुछ नहीं मिला। मैं एक क्वेश्चन उनके सामने रखना चाहता हूं, एक बात का जवाब दे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम एक स्पेशल पैकेज घोषित किया है, आपने हिमाचल प्रदेश के बजट में उसमें कितना बजट का प्रावधान किया? अगर स्पेशल पैकेज की अगर घोषणा की है उसमें पैसा कौन सा है? पैसा वही है जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से दिया है, जो हमारी केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है। भाइयों बहनों, 5 मिनट के अंदर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन हिमाचल की परिस्थिति के बारे में हमको आपके बीच में कहना पड़ेगा। अगर मैं आपदा के बारे में सुंदर में इसमें बात कर रहा हूं, पैसा केंद्र ने दिया है, पैसा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, लेकिन पैसा किनको दिया जा रहा है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पैसा उनको दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है जिनके घर सलामत है।
उनके खातों में पैसा जा रहा है। यह हमारी कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना आदमी है, ये पक्का आदमी है, ये पैरामीटर बढ़ा दिए गए। और इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है हिमाचल प्रदेश में, जो पैसा केंद्र सरकार ने उन लोगों के लिए दिया है जिनका घर चला गया, जिनकी जमीन चले गए, जिनका बाग बगीचा चला गया, जिनका परिवार का सदस्य चला गया, उनके लिए राहत के रूप में दिया है, जबकि पैसा कांग्रेस के लोगों के लिए जा रहा है। ये सचमुच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं जिसके बारे में बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और आजकल हिमाचल प्रदेश में देश की राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, अभी बिहार में भी एनडीए की सरकार बन गई, और जब ऐसी सरकार बन जाती है, जब हमारे साथ मोदी जी के साथ चलने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, तो कांग्रेस के मित्र हिमाचल के बारे में भी बहुत परेशान होते हैं। और मुझे हैरानी है, मुझे पुख्ता जानकारी मिली है, मैं आज इस बात को कहना चाह रहा हूं कि क्या आवश्यकता पड़ी पुलिस विभाग के उस अधिकारियों को आदेश करने की कि कुछ विधायकों के फोन सर्विलेंस पर रखे जाए। हमारा तो लगा ही है, लगातार लगा है, और मैं उन अधिकारियों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस काम के लिए आप नौकरी करते हैं आप उस काम पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ अपना भविष्य मत जोड़िए। जिस सरकार का भविष्य नहीं है, इसलिए सोच समझ करके काम करें। विधायकों के फोन सर्विलेंस पर रखना, बार बार रखना, ये उचित नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में हो रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम ये आपके बीच में कह सकते हैं, लेकिन भाई और बहनों, में एक बात मैं जरूर कहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं के लिए हमने पैसा दिया था, हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना चलाई थी, सहारा योजना चलाई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के लिए एक बहुत बड़ी योजना, जिस योजना के अंतर्गत यहां मुझसे पहले यहां पर कहा गया कि आपकी बार का जो बजट, केंद्रीय बजट, जो इंटरिम बजट जो है प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रावधान आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर और आशा वर्कर के लिए भी उसमें किया गया, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में इस हालात को देख रहा हूं, सीधा आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ा विषय है। हमने आप कहा कि आपने संस्थान बंद कर दिए, वो भी हमने देख लिया, वो भी हमने सहन कर लिया, लेकिन अब आप जिस प्रकार से आदमी की जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं, एक गरीब आदमी को बीमारी लग जाती है, उसके पास पैसा इलाज करने के लिए नहीं होता, उसके लिए हमने हिमकेयर का प्रावधान किया है, और आप उस योजना को भी बंद कर रहे हैं। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हिमकेयर और सारा योजना को देने को बचा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल ने 1 तारीख से हिमकेयर के कार्ड लेने बंद कर दिए। हिमकेयर के पेशेंट जो है उनका फ्री ट्रीटमेंट जो होता था उसको करना बंद कर दिया। ये कैसी सरकार है जिसका मानवीय दृष्टिकोण ही नहीं, आदमी की जिंदगी को जिंदगी नहीं मानते। इस सारे विषय को लेकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जहां चर्चा हुई, कुछ लोगों ने कहा कि अग्रेट बैंक बंद करना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं करना चाहिए,
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को एक आदत पड़ी है, एक बड़ा शौक है, नया शौक है। और वो शौक क्या है कि बंद करने में उनको मजा आता है। हर चीज हिमाचल प्रदेश में बंद, एक आधा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, चले हुए संस्थानों पर ताला लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं पर ताला लगा दिया, वो बंद कर दी गई। और ऊपर से और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति बन गई, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हिमाचल के सब, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग है, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारे लगाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अभी ताजा ताजा जानकारी ये मिली कि शिमला के अंतर्गत जहां धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जहां लोग अपनी मांगों को लेकर के रैली निकालते हैं, सब जगह रोक लगा दी गई है, कोई प्रदर्शन शिमला में नहीं होना चाहिए, कोई इस प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए जो सरकार की नींद में जो है वो खलल जाए। भी हमने हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखा, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान का अनुरूप हमको मिला है। आपने बोलने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, ये हिमाचल में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे सामने हिमाचल प्रदेश में आज के दौर में हुआ है, जब सुखों की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन। और हाथ तो तब होती है, यहां पर ऊना जिला में कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री जी भाषण देते सभा में, हम तंगहाली के दौर में से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ में उनके सब साथियों के लिए मुर्गों को परोसा था। सरकार तो तब चलेगी बोलते जब चिकन करी मिलेगी, ये हालात हिमाचल प्रदेश में आज के दौर में। लेकिन हमारे सामने तो अनेक बात को लेकर के एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि हिमाचल प्रदेश को सत्ता में आने से पहले आपने वादे किए थे 10 गारंटी दी थी, क्या हुआ उन गारंटियों का? हम यही पूछना चाहते हैं आपसे, एक कांग्रेस का साथी हमको कहने लगा कि भाई अब जब गारंटी की बात करते हैं तो हमारा जो है वो सांस जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, उठने लग जाता है, ये हमारे लिए गले की फांस बन गई है। और अकेले में तो सुखपुरी भी इस बात को सोचते होंगे कि हमारी पार्टी ने सत्ता में आने के लिए तो कह दिया, लेकिन सत्ता से बाहर करने का भी यही एक माध्यम होगा, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और आज ये मुद्दा बन चुका है, अगर कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके सत्ता में आई है, 10 गारंटियों को लेकर के झूठ बोल करके सत्ता उन्होंने हासिल की है, तो सत्ता से बाहर जाने का कारण भी उनका यही बनेगा। आज लोग याद कर रहे हैं उनको, क्या हुआ वो 1500 रुपए की गारंटी का जो महिलाओं को देने की बात कही थी आपने, क्या हुआ उस गारंटी का जहां कहा था आपने कि हम गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदे, क्या हुआ उस गारंटी का? क्या आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या हुआ उस गारंटी का? कैबिनेट की पहली बैठक में आपने कहा था कि 1 लाख नौजवानों के लिए नौकरी निकालेंगे और 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सारी बातें तरी की खरी रह गई। लेकिन आज मैं इस बात को लेकर के कह सकता हूं आप सबके बीच में, गारंटी है तो एक व्यक्ति की है, एक नेता की है, जिसको पूरा देश मानता है और देश नहीं दुनिया मानती है, वो गारंटी किसकी है? नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी, यानी काम पूरा होने की गारंटी।
10 साल का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो होने जा रहा है पूरा, 25 करोड़ गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल हुए हैं, ये आज तक के भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और आने वाले समय में उन्होंने एक ही बात कही है कि हम दसवें स्थान पर थे, दुनिया की इकोनॉमी के रूप में हम पांचवें स्थान पर आए, पांचवें स्थान पर तो आ गए, और 2029 में पांचवें नहीं हम तीसरे स्थान पर होंगे, ये भी मोदी जी की गारंटी है, ये भी होने वाला है। इसलिए भाई और बहनों, में लंबी बात ना कहते हुए आप सबके बीच में इतनी कहना चाहता हूं, ये हिमाचल प्रदेश अगर जिस रूप में आज विकसित होकर के विकासशील होकर के आगे बढ़ रहा है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आओ उस योगदान को और मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में 1 महीने के बाद मुझे लगता है कि आचार संहिता हिमाचल पूरे देश भर में लग जाएगी, और हमारे जिम्मे एक काम होगा, और वो काम ये होगा कि देश का प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी बनाने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश का योगदान 100% होना चाहिए। आओ हम वही करें जो 2014 में किया था, यानी कि 4/4, और वही करें जो 2019 में किया था, 4 की 4 सीटें हमने जीती थी, अब की बार भी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ करके हम काम करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है, यही मेरा आप सबके बीच में आग्रह है। एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में यही कहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी मंच पर यहां पर प्रवेश कर रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आप सब बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय हिंद, जय हिमाचल।